अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर जी सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज मैं बनाने लगी बहुत ही मज़ेदार किस्म का ऑमलेट, जिसमें ये कुछ वेजीज हैं जो मैंने निकाली हैं जो इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर भी है, इसके अलावा मैंने पार्सले भी निकाला है। पार्सले का टेस्ट बहुत मज़े का आता है ऑमलेट में। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने जो फीडर होते हैं ना, मैंने एक नया हैक ढूंढा हुआ है कि एक इस तरह से मैं ले लेती हूँ, कंटेनर ले लेती हूँ, उसमें मैं गर्म पानी डाल देती हूँ और थोड़ा सा डिश वॉश डाल देती हूँ और फीडर्स डालकर लिड लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, तो इस तरह से इन्हें वॉश करना बहुत आसान हो जाता है और वो स्टरलाइज भी हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मैंने सारी वेजेस को अच्छे से चॉप कर लिया है, जिसमें है जी टमाटर है, यहाँ पर अनियंस हैं, ग्रीन चिलीज हैं, पार्सले हैं, कोरिएंडर है, और इन सब चीज़ों का मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे, वो भी देसी घी के। तो इन सब को मैं इस तरीके से देसी घी लगा कर और ऊपर मैंने अच्छे से फ्लावर डस्ट कर कर यहाँ पर उनके मैंने पेड़े बना के रख दिए हैं, और फिर बाद में मैं इस तरह से इनको बेल लूँगी और पराठे बनाऊँगी। आप इस तरह से जब पराठों को रेस्ट देते हैं ना घी लगा के, तो बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, क्रिस्पी भी बनते हैं और अंदर से वो सॉफ्ट रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। कभी करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, स्पेशली अगर देसी घी आप यूज़ कर रहे हैं तो। और यहाँ पर जी पराठा डालते हुए मेरा से थोड़ा सा फट गया था, क्योंकि एक हाथ पे मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं डाल रही थी, तो ये फिर छोटे मोटे डिज़ास्टर्स हो जाते हैं इस तरह से। आपने वेजेस की क्वांटिटी तो देख ली थी, दो छोटे छोटे से प्याज थे, एक टमाटर था, चार पांच मैंने हरी मिर्चें ली थी और इनको मैंने चॉप कर लिया था, थोड़ा सा पार्सले, थोड़ा सा कोरिएंडर डाला था। जितनी आपने क्वांटिटी देखी है शुरू में, इन सब चीज़ों को मैंने डाल लिया था। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला था थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्चें यानी रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाला था। इसके अलावा मैंने इसमें इस बार डाला था जो थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर डाला था और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला था। बहुत मज़े का ऐसे फ्लेवर आए थे, मैंने कभी भी पहले जो है ये क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर डाल के कभी भी नहीं ऑमलेट बनाया, बट ट्रस्ट मी ये इतना मज़े का बना था ना कि मज़ा आ गया था। मैं जब बना रही थी ना, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल ही गई वो पार्ट, तो इसलिए मैं आपको रफली बता रही हूँ कि मैंने बीच में क्या क्या डाला, ताकि आप लोग को आइडिया हो सके कि इस ऑमलेट में क्या क्या गया था। सबसे पहले इस तरह से मैंने वेजेस को फ्राइंग पैन में डाल लिया, तो देसी घी डाल लिया तो, और हल्का सा मैंने सॉटे किया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर चार अंडे डाल दूंगी और उन्हें भी मैं कुक कर लूँगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस टाइम पे ना हिलाएं, लिड लगा कर पकने दें, बट मैं साथ साथ हिला रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल स्क्रैम्बल्ड एग चाहिए, तो बहुत मज़े का लगता है स्क्रैम्बल्ड एग। तो यहाँ पर इसको आपने तब तक पका लेना है जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता। और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और साथ में पराठे भी बन चुके हैं। तो आज जो है मैं जिशान को, और यहाँ पर जी मैंने जिशान के लिए टिफिन भी प्रिपेयर कर दिया है। हालांकि मेरे पास एक प्रॉपर टिफिन है जिसमें खाना जल्दी करके ठंडा भी नहीं होता और अच्छा भी लगता है, बट जिशान को वो टिफिन भारी लगता है। सो मैं ये जो नॉर्मल कंटेनर्स मेरे घर पे अवेलेबल है, इन्हीं में मैं उनको देती हूँ। और आज पहली बार मैंने उनको इस तरीके से एग बना के दिया पराठे के साथ, हमेशा कोई सालन या कुछ इस तरह से होता है। बहरहाल उन्हें बहुत अच्छा लगा, साथ में मैंने थोड़ा सा अचार भी रख दिया था। और जो वेजीज रह गए थे उनको मैंने कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया कि फिर मैं इनसे बना लूँगी जो है वो ऑमलेट बना लूँगी, क्योंकि वेजीज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। मैंने पहले सोचा था पांच अंडे डालूँगी, फिर मैंने चार डाले क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था सामान, सो इसमें से थोड़े से मैंने निकाल लिया था। ओके ओके, आप लोगों ने काम करते जाने और अपनी कॉपीज दूसरी लेती जाने, ओके मानो मुझे ज़रा सा भी शोर नहीं होना चाहिए। ऐसे टेबल पर रख के दूसरे ले ले, जब सारा खत्म हो जाएगा तो फिर बाहर आ जाना। आप लोगों ने आज अत्ता ही यातू करनी है, ठीक है? हाँ हाँ, याद नहीं करनी नमाज, कंप्लीट नहीं करनी। मैंने कभी लिखवाई है आपसे नमाज? आपने याद नहीं करनी अत्ता ही यातू, वो कह रही हूँ। और यहाँ पर जो मैंने बच्चों को काम दे दिया कि आप लोग काम कर लें, और साथ में आयान की एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे कलरिंग के लिए भी कुछ ड्रॉ करके दिया जाए, तो इसकी ना ये जो है ना क्लिपबोर्ड, इस पर बना हुआ था ये डोरेमोन, तो मैंने डोरेमोन इसको बना के दे दिया और मैंने कहा इसके अंदर आप कलरिंग कर लो। मैं सोच रही हूँ कि ट्रेसिंग पेपर ना बच्चों के बाय करूँ, मैंने कहीं पर देखे तो नहीं है ये ट्रेसिंग पेपर, कहाँ से मिलेंगे मुझे।
अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि ये ट्रेसिंग पेपर्स कहाँ से मिलते हैं तो डू लेट मी नो, क्योंकि मुझे अयान के लिए चाहिए, क्योंकि ये बच्चे मांगते हैं ड्राइंग, तो बाज़ू का बड़ी टफ़ लगती है ड्राइंग करना। ऑब्वियसली वो चीज़ें वैसी तो नहीं रही हैं जैसे आप लोग जब स्कूल टाइम में होते हो ड्राइंग करते हो तो आप सब भूल भाल जाते हो। सो मैं चाह रही हूँ ट्रेसिंग पेपर्स में बच्चे खुद ही से ट्रेस भी करें कि उनकी एक्टिविटी में इजाफा हो जाएगा और साथ में वो फिर कलरिंग कर लेंगे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। चलो आगे सुनाओ। عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين شاباش। और बच्चों को मैंने पढ़ा लिया था, बच्चों ने कलरिंग कर ली थी और उसके बाद आयान को नमाज़ याद करवा रही थी। ईमान ने अभी कुछ भी कोई ख़ास याद नहीं किया है, बट आयान माशाल्लाह अब अता है यातू पे पहुंच गया, बट ईमान जो है अब अता है यातू साथ में जो है वह सीख रही है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई भी कारी साहब अवेलेबल नहीं है जो बच्चों को पढ़ा सके। ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आती कि बच्चे कुरान पाक कैसे पढ़ेंगे, लाइक कायदा वगैरह कैसे पढ़ेंगे। सो अभी तो मैं घर पर ही इन्हें पढ़ा रही हूँ, तो अगर मुझे कोई आगे फ्यूचर में कोई अच्छा सा कारी साहब यहाँ मिल जाता है तो ऑब्वियसली फिर मैं उन्हें हायर करूँगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। बट एटलीस्ट आई वॉज हैप्पी कि ईमान ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और वो अत्ता ही यातू से ही स्टार्ट लिए, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आया ने तो प्रॉपर सना से स्टार्ट लिया है और अब वो अत्ता ही यातू पर है, बट ईमान ने अभी मेरे से साथ जो है वो कोऑपरेट करना शुरू किया है। सो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, यहीं से स्टार्ट कर ले, बच्चों के जहन बहुत तेज़ होते हैं सो वो हर चीज़ बहुत ईजिली पिक कर लेते हैं अगर वो पिक करना चाहें तो। और यहाँ पर एज़ यूजुअल मेरे कारनामे, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जो पैम्पर्स के खाली कार्टन थे उनको भी मैंने जो है वो स्टिक ऑन शीट्स लगा के स्टोरेज बॉक्स बना दिए, और अब ये जो अबिया का बेबीलेक का बॉक्स है जिसमें उसका दूध आता है उसको जो है फिर मैंने सोचा कि अब इस पर जो है जो फॉर्मिंग शीट्स मिलती हैं आई थिंक इनको कहते हैं ये लगा देती हूँ, तो ये बड़े अच्छे से यूज़ हो जाएंगे और बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें बीच में रख दूँगी। तो बस जी मैंने मेजरमेंट ले ली थी और अब मैं जो है वो लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखा दूँगी कैसे बने, बट इतने ज़बरदस्त तो नहीं थे बने बट समहाउ काम चल जाएगा। और यहाँ पर देखें जी मेरा जो है वो बॉक्स बन के रेडी हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था मुझे बनने के बाद। सो और मेरे पास ना टेप्स भी थी, तो जहाँ पर इनके जॉइंट से जो दो जगह पे ये मिल रहे थे तो वहाँ पे मैंने टेप लगा दी थी। सो अच्छा बन गया, तो ईमान जिद करी थी मुझे भी बना के दे, तो फिर मैंने एक ईमान को बना के दिया, तो ऑल दो उसने कुछ भी नहीं करना, इंटायरली वेस्ट है, बस ठा मारती रहेगी। और यहाँ पर डिज़ास्टर चेक करें, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आयान की बर्थडे जो कि गुजर चुकी है, बट आई हैव टू अरेंज अ स्मॉल गेट टुगेदर, सो उसके लिए मैं घर पर सब चीज़ें बनाऊँगी, तो चीज़ें थोड़ी सी आ चुकी हुई थी और फ्रिज ओवरलोडेड ऑलरेडी थी। तो हुआ ये कि जिशान कंपनी में थे तो अचानक से ना जो फ्रीज़र है ना उसमें से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी और इस तरह से लग रहा था जैसे उसका जो पंखा है ना उसकी आवाज़ है, बहुत शोर था। सो आई वेंट टू बेनेश और मैंने कहा इस तरह है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने एक दो बंदों को कॉल किया जो कि उसके पास थे, किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया, तो फिर मैंने आयान के टीचर को कॉल किया, फिर उन्होंने नंबर दिया तो उसके उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जब इस तरह की आवाज़ आती है ना तो होता यह है कि बर्फ़ जम जाती है पंखे पर फ्रीज़र के, तो आप ऐसा करें एक दो घंटे के लिए फ्रीज़र बंद कर दें फिर ऑन करेंगे ना तो फ्रीज़र ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, थी बर्फ़ ही जमी हुई बट वो दो घंटे में नहीं पिघली। तो जब जिशान आए तो फिर उन्होंने ड्रायर के साथ सारी जो है वो फ्रीज़र को उसका जो जहाँ पर पंखा होता उधर मारकर तो वो पिघलाई, और उसके बाद फ्रीज़र इतना गंदा लग रहा था, ऑब्वियसली आपको पता है जब इतना सामान होता है ना तो फ्रीज़र बहुत गंदा हो जाता है, और यहाँ पर आप ऐसे फ्रीज़र को वॉश भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई डक्ट छक तो है नहीं है, यहाँ पर कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है घरों में प्रॉपर, सो आपको क्लीन ही करना होता है डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह के साथ। तो यहाँ पर देखें फ्रिज मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था, स्पेशली ये वाली जगह, ये देखें ये नीचे फॉर्म लगा हुआ है और इसके ऊपर एक और चीज़ होती है प्लास्टिक की, वो हटाई तो ये था, अब इसको जो प्रॉपर तरीके से मैं वॉश कर सकती थी पानी के प्रेशर से, और अगर मैं यहाँ पर पानी का प्रेशर मारती तो आप सोच सकते हैं पानी कहाँ कहाँ जाता और मैं कैसे पानी को समेटती। सो बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको साफ़ करने की मैक्सिमम कोशिश की जितना कि मैं कर सकती थी,
और मैंने फ्रीज़र को साफ़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है ना फ्रीज़र भी नीट एंड क्लीन हो गया था। और फिर ये इस तरह से है, ये जो इसके ऊपर लगेगी इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था ब्रश के साथ। और अब जो है वो फ्रीज़र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी शोर नहीं था कर रहा। और अब मैं चीज़ें रखने लगी थी ताकि जो है सामान रखा जाए इससे पहले कि सब चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएँ। पाकिस्तान में ना सही बहारें हैं, जब आपका दिल करे फ्रीज़र का मुंह खोलो और जब पानी का पाइप उठा दो करके फ्रीज़र धो लो। ठीक है, यहाँ पर बहुत मसला, हम कोई भी चीज़ एज सच नहीं धो सकते हैं क्योंकि एज़ आई टोल्ड यू ड्रेनेज का सिस्टम प्रॉपर है ही नहीं यहाँ पर। सो बहुत मुश्किल हो जाता पानी को उठाना। तो यहाँ पर फ्रीज़र को अच्छे तरीके से सेट करने के बावजूद फिर से वैसी हो गई थी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी और अब मैं यहाँ पर जो है अपने आप को छोटी सी ट्रीट दे रही थी क्योंकि मुझे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख। मैंने बहुत पहले का खाया था, लेकिन 6 बजे मैंने खा लिया था आज खाना, मैंने खाना ही नहीं था खाया हुआ पूरा दिन। तो 6 बजे मैंने खा लिया था और अब रात के 12 बज रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सो मैंने नगेट्स को जो है एयर फ्रायर के बजाय आज डीप फ्राई कर लिया, साथ कॉफ़ी बना ली और साथ मैंने केक बनाया हुआ था। और तो बस मैं केक ये सब चीज़ें लेकर इन्जॉय करूँगी। ये केक इतना मज़े का बनता है ना कि अब तक मैं इसको 5-6 बार बना चुकी हूँ और मेरा दिल अभी तक नहीं भरा है। बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। और जैसे ही मैं सब चीज़ों से फ्री हुई, पता नहीं अबिया को क्या हो गया था, अबिया इतना ज़्यादा रो रही थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी क्यों रो रही है। मे बी ये दांत निकाल रही है क्योंकि आयान ने और ईमान ने भी 6 मंथ्स के थे जब इन्होंने दांत निकालने शुरू कर दिए थे, तो मुझे लगा शायद वो सीन हो, बट ऐसा भी कोई सीन नज़र नहीं था आ रहा। और अभी आंसू से भरी आँखें देखें, बहुत ज़्यादा रोई है ये, 2-3 घंटे रोई है। और इस टाइम रात के कोई 3-3:30 बज रहे थे, बहुत मुश्किल से मैंने इसको चुप कराया था। खैर ये थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।